फेरामोन ट्रैप मा कैप्सूल बदलनू। राम राम, मारु नाम नवल सिंह छे। मैं सीतापुरी रहूँ हम। हम समूह अमरनाथ समूह में जुड़िया छे, किसान समूह। हमारा जाके 4 बीघा जमीन छे। उसमें 4 बीघा जमीन में और ये 4 ढबड़ा लगाया। वो एक एक ढबड़ा है 25-25 रुपया का, तो 100 रुपया को पड़ी रही हमके। वो ढबड़ा जाने देखा तो कम से कम मतलब 6-7 कभी फुद्दी ने पड़ी है, तो फिर हम देख ले कि अपने खेत में इल्लड़ आएगी। दवा उड़ावा तो हमारा उली मोली दवा उड़ावा तो उतरी इल्लड़ नहीं पड़े। और उसमें मतलब हमारा 4 बीघा जमीन में हमारी 10-12 कंट्रोल मतलब सोयाबीन आई जाए। और 10-12 कंट्रोल आई जाए तभी मतलब 2000 की भी भाव मार रहे तो 20-25 हज़ार आई जाए हमारे जाके। डब्बा हमने लगाया नहीं तो मतलब जो खेत में नुकसान आया नहीं उसका मतलब डब्बा का खुदी देख के हम बचाई लें वहाँ सोयाबीन को। राम राम। ये मारा नाम जीवन सिंह है और मैं सालीपुर रहने वाला है। हाँ, डब्बा हमने एका से डब्बा लगाया खेत में कि ये 7 से 8 फुद्दी एकम पड़ी जाए और गिरना के बाद हमको मालूम पड़ जाएगा कि एकम फसल में ईल लगेगा। ईल जगह बाद में जो थो हम जो है लीम को घोल बनी ने मैं छिड़काव कर दा तो हमारी फसल पूरी बची सके। आज अपन ट्रैप के देखांगा। ओहो, मैं तो बहुत सारा फुद्दा गिर गया यार। ये देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अपन ने बोलियो था कि जब अपना ट्रैप में 7 से 8 फुद्दा गिरी जाए तो अपने कोई भी दवाई जैसे नीम को बीज को आर्क जो बना है वो छाटनो है तो अपने को छिड़काव चालू कर देना चाहिए, क्योंकि अपने पता लगे कि अपना ट्रैप में 7 से 8 फुद्दा गिरी गया है। ये दिखी दिया ऐसा हाथ पाँव टांगड़ा हले रही है। यो जो कहीं है अपन ने बोलियो था कि अपना जो कैप्सूल है ओके 20 दिन में अपने बदलना हो, तो यो अपन ने हरी इल्ली जो है कुबड़ाड़ी इल्ली सेमिल ऊपर का लिए लगाया तो जो कुबड़ करी करी चले उका लिए अब यो अपने कैप्सूल बदले के अपन दूसरों कैप्सूल लगाएंगे, क्योंकि इन्हें कैप्सूल की जो है गंध वो 20 दिन का बाद ख़त्म हो जाए। तो अपने एक 20 दिन अब पूरा हो गया है तो अपने ये कैप्सूल बदलना एक ही जगह पर अपने फली खाने वाली इल्ली आए और फूल खाए उका लिए अपने दूसरों कैप्सूल लगाना है। तो वो कैप्सूल भी इका समान ही है, या सोई कैप्सूल लगाना है लेकिन यो कैप्सूल अब लगाना है। यो कैप्सूल भी लाल ही है लेकिन यो अपनी जो फली खाने वाली या फूल खाने वाली इल्ली का लिए है। यो लगाई दी, यो जो अपन ने लगाई दियो जो जो हेलिकोवर्पा है जो फली खाने वाली इल्ली है या फूल खाने वाली इल्ली है उको अपन ने कैप्सूल लगाई दियो। इनमें भी अपने यो ध्यान रखना चाहिए कि इनमें 7 से 8 जब फुद्दे गिरी जाए तो किसान भाई के जो अपन नीम बीज बनाए उको अपने छिड़काव कर देना चाहिए। मुख्यतः जो यो ट्रैप को सबसे ज़्यादा फायदा है कि वो सूचना देने को काम करे है। और जैसे किसान भाई के यो भी जानने की इच्छुक होगा कि अपनी जो इल्ली कैसे बने तो ये जो नर एंड मादा फुद्दा आपस में मिली जाए और आपस में मिलने के बाद में ये पत्ता का पक्षी अंडा दे उससे अपनी इल्ली बने। तो किसान भाई के महारा इनसे यही कहना चाहिए कि जो इल्ली पहली अवस्था में जो छोटी छोटी बारीक बारीक इल्ली रहे जो दिख रही अपने पत्ता में उन्हीं अवस्था में अपने इल्ली के भगाना चाहिए। नहीं तो अगर बड़ी इल्ली हुई तो कोई भी उनमें फिर दवाई काम नहीं करे। जैसे बड़ी बड़ी 2-2, 1.5-1.5 इंच की इल्ली हुई जाए उन्हें टाइम पर कोई भी दवाई काम नहीं करे। तो किसान भाई के अपने पहली अवस्था जो बारीक बारीक इल्ली रहे उनमें ही कोई भी दवाई को छिड़काव करना चाहिए। जैसे नीम अर्क है या नीम तेल है इन सबको छिड़काव उन्हीं अवस्था में कर देना चाहिए तो ही किसान भाई के फायदा मिलेगा।